हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से अकबरी लौटा यह पाठ देखेंगे। लाला जाहुलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक करीब किराया उतर आता था। कच्चे बच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्चा था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ कभी आंखें सेंकने के लिए भी नहीं मिले थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जान पड़ा कि कोई बुल्ला है जो बुलाने जा रहा है। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला जाहुलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने किंचित रोष के साथ कहा, अज्जी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से अपना तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष से। लाला जाहुलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये तुम ले लेना, ऐसे अपनी पत्नी को वो वादा करता है। मर्द की एक बात, हाँ जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन जोतों में यो ही बात गई और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब अगर न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली ही बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपये का सवाल किया था। इस समय अगर वे दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। मर्द की एक ही बात यह उसका फिकरा उसके कानों में गूंज गूंज कर फिर गूंज उठता था कि ये जो जाहुलाल था वो अपनी पत्नी को जबान दे चुका था कि मैं तुमको इतने पैसे 250 रुपये 7 दिनों तक दे दूंगा, लेकिन पैसे का कुछ भी जुगाड़ नहीं हो सका। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ गया था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जानकर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर फिर मिल गया तो कल शाम को तुमको मकान पर मिलूंगा। यह शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया न पाने पर उनकी स्त्री डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, इस हंसी की कल्पना मात्र से लाला जाहुलाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाता था। अभी पंडित बिलवासी मिश्र भी नहीं आए। आज ही शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था, यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध न हो सका तो ऐसे बहुत सारे सवाल जाहुलाल के मन में आए। इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए जाहुलाल दूर छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम पड़ी। उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उसने पत्नी पानी लेकर आई। आप जानते हैं कि हिंदू समाज में स्त्रियों की कैसी शोचनीय अवस्था है। पति नालायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी को पानी लेकर हाजिर होना ही पड़ता है। वे पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लेकर हुए वे प्रकट हो गई। फिर लोटा भी संयोग से वह तो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जाहुलाल को सदा नापसंद था। ना तो नया, साल ही 2 साल का बड़ा, पर कुछ ऐसा गड़न उस लोटे का था थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिनमची रही हो।
लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया। वे कुछ बोले नहीं, अपने पत्नी का वे अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी की या पत्नी नहीं हुआ वह पति कैसा है। फिर उन्होंने यह भी सोचा होगा कि लोटे में पानी हो तो तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में जब भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा। मतलब उसके पति पत्नी ने उसको ऐसे ही वो पानी लेके आई थी गुस्से में कि अभी तक उसको पैसे नहीं मिले हैं। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए कि खड़े खड़े पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था कि नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो, कि उसको वो पानी भी एक प्रकार का बहुत ज़्यादा टेंशन वाला लग रहा था कि अभी तक वो पैसे लेके नहीं आया था। इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए लाला झाऊलाल ने कुछ बुराई नहीं की और वे छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। वह मुश्किल से दो एक घोट पी दवाए होगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट पड़ा। लोटे ने न दाहिने देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चढ़ पड़ा। अपने वेग में उल्फा को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापति ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज हिदायत की थी, कहा था, कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाड़ूलाल को काटो तो बदन में खून नहीं, ठठेरो बाजार ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिल ती मंजिले से खड़े हुए भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। लाला झाऊलाल ने देखा इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है जो नखशिक से भीगा हुआ है और तो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पर नाच रहा है। उसी के पास वो अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें पीछे प्राप्त हुआ यह कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकरा गया। वह टकरा कर उस दुकान पर खड़े हुए अंग्रेज को उसके सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसे उसके बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुँह की उसने खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि एक कुर्सी आंगन में रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। दूसरा एक जरूरी काम यह किया कि जितने आदमी आंगन में घुसा आए थे सबको निकाल के उन्होंने बाहर किया है। साहब बिलवासी ने धन्यवाद देता हुआ बैठे और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते बोले, आप इस शख्स को जानते हैं। बिल्कुल नहीं, और मैं इसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूँ, निरीह रहा हूँ। चलो पर लोटे से वार करें, मेरे समझ में ही इज अ डेंजरस लंटिक्स, यानी ये एक खतरनाक पागल। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह एक खतरनाक क्रिमिनल या मुजरिम नहीं है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके थे। वे कुछ समय नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ। पास ही है, चलिए मैं बता दूँ। चलिए अभी चला। इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे। मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूँ।
लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी से लोटे का आप 50 रुपये दाम क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दा या रद्दा सा समझते हैं, बताते हैं, आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। यह जनाब, इस ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर में म्यूजियम परेशान है। यह बात है, ऐसा वो अंग्रेजी आदमी उसको कहता है कि ये एक बहुत ज़्यादा म्यूजियम में रखने वाला एक लोटा है जिसको पूरे म्यूजियम वाले ढूंढ रहे हैं। जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इस प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा, उसने बताया कि यह जो लोटा है वो अद्भुत लोटा है, अलग लोटा है, सब लोटों से वो अलग है, सब उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि एक बिल्कुल एक एंटीक है। सम्राट अकबर को बहुत प्यार था उस लोटे से, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। 1957 तक इसके शाही घराने में ही रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैसी दाम देकर खरीद ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार का हो गए। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करेंगे? मुझे पुराने और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पर से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह अपने पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। यह सब झोल है, दाम लगाइए तो अधिक दाम दे वह ले जाए। यही सही, आप उसका 50 रुपये दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अब ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं कि वो अंग्रेजी बाबू ने बाद में वो लोटा जीत लिया। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। यह सुना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी फिर गई। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगल्स की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। और उसने कहा कि अभी मैं हंसते हंसते ये लोटा लेके मेरे गांव, मेरे देश पहुंचूंगा। मेजर जो डगलस है उसकी बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष में हिंदुस्तान आए थे और यह से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीरी का प्रेम करवाया था। जहांगीरी ने पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने
उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे उसके इस भोलेपन पर जान से 100 जान से निछावर हो गया। और वहाँ पे वो जो एक जादू एक अंडा था, वो अंडे के बारे में बता रहे हैं कि जहांगीर अंडा है। और वो आगे कहते हैं कि उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा एक बिल्लौर की हंडी में, वो उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने परसल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात हाँ, पर अब वे मेरे आगे दूर ही नहीं ले जा सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बना था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी के एक एक बाल सारे प्रसन्नता के लहर उठ रहे हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर चले थे, पर आपको मिला कहाँ से? आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है, 2 घंटे तक। इस तरह से उसने उसको 250 रुपये मिलवा के झाऊलाल को दे दी। हाँ और क्या, अभी मैं अपनी पीठ ठोट कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें ले लेगा, फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपये अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। झाऊलाल ने अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए थे। वे लंबे डग भरते हुए गली से चले गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे भी वे उठे। धीरे धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिंकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली को संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जो के जो रखे उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पाँव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई लेकर लेट रहे और लेट कर मर गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वे जीवित भए। इस तरह से उन्होंने वो जो अकबरी लौटा है इसकी कहानी बनाकर झाऊलाल को भी वो पैसे मिला, उसको 250 रुपये दिए और जो बचे हुए थे 500 रुपये में से वो उसको मिल गए और वो उसने अपने संदूक में आराम से रख दिए और अंगड़ाई लेकर सो गए। आशा करती हूँ जो भी मैंने कहानी अभी पढ़ी है अकबरी लोटा वो आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।